सर आप म्यूट हो गए हैं। यस सर। तुम लोग को इतना दुखी क्यों होते हो? मैं म्यूट हो गया हूँ तो मुझे मालूम है ना। तो वायर इससे दुखी इधर रोंदू क्यों हो जाता है? ये एक्चुअली ये जो हमारा सुभाषिस है वो रोंदू ही है। सर रोंदू क्यों होता है हर समय? अरे बड़ा बच्चा है। मेरा वॉइस ऐसा ना होता ओके तो यस्टरडे वी हैव मेड न्यूक्लियोटाइड्स, अब वी विल सी हाउ टू जॉइन देम। एंड फर्स्ट वी विल मेक व्हाट? फर्स्ट वी विल मेक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एंड देन वी विल मेक डबल स्ट्रैंड डीएनए। एंड यू कैन इजीली मेक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, आप जानते हो, बस शुगर बदल दो एंड राइबोज को डिफ्रेबिस कर दो एंड यू थाइमिन लगा दो तो डीएनए बन जाएगा सिंगल स्ट्रैंड वाला। डबल स्ट्रैंड डीएनए मैं आपको सिखा दूंगा, तो इसलिए धड़ाधड़ आप लोग इसको सीखते हैं। क्लियर? सो इसीलिए प्लीज रिमेम्बर दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसका एप्लीकेशन आपका 12th क्लास में है एंड आप ऑलरेडी पढ़ रहे होगे केवीपीआई क्लासेस में, क्योंकि केवीपीआई के लिए बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो ये आप याद रखेंगे। चलिए इसीलिए अगर आप लोग को फुर्सत मिले तो जेजेएस चैनल में जाकर रीड ऑल सेल बायोलॉजी। इवन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर रीडिंग नाउ, अभी 5-6 पाकिस्तानी स्टूडेंट अभी फैन हो गए, समझे कि नहीं? सो दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, कोई टर्की से है, कोई अच्छे देशों से, अमेरिका अमेरिका से हो, पाकिस्तान से है, तो बट स्टिल दे लाइक द एजुकेशन, दे आर हैप्पी। तो वो बोलते हैं सर एनसीईआरटी क्या है, जेसीईआरटी क्या है कि नहीं, तब तो उनको कैसे समझाएं। चलिए सो लेट्स गो अहेड। तो आप ये पहला लेक्चर जो है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, अब मैं आपको बॉन्ड बनाना सिखाऊंगा, फिर आप आराम से उसको जोड़ना शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है? तो फर्स्ट वी विल मेक ए बॉन्ड, ठीक है जी? नाउ तो जो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें क्या होगा? एक फ्री ट्राइफॉस्फेट ग्रुप होगा। हाँ, तो फ्री ट्राइफॉस्फेट ग्रुप होगा, आपको मालूम है हमने उसको ऐसा लिखा था, प्लस उसमें कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन दूसरे फास्फोरस को बिलोंग करता है, प्लस फिर एक तीसरा फास्फेट आ जाएगा एंड तो ये ट्राइफॉस्फेट हो गया हमारा। अब आ जाएगा आपका क्या? अब आ जाएगा CO2। ओके सो दिस इज OCH2 एंड हम अब बना देंगे एक राइबोस। अब यहां हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे एडेनाइन का, सिर्फ एक सिंबल बना देंगे। तो सिंस एडेनाइन प्यूरीन है हमने दो रिंग बनाया। ओके तो ये 1' जो बेस के साथ लगा होता है, ओके एंड दिस इज 2'। तो 2' क्या साबित करता है? कि ये राइबोज है, ये है 3' OH जो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग लेवलिंग कर देंगे, तो ये 5' एंड है। क्यों? क्योंकि ये 5'। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई 5' एंड? उसमें फ्री ट्राइफॉस्फेट ग्रुप होगा, फ्री ट्राइफॉस्फेट। ओके तो जिधर फ्री ट्राइफॉस्फेट ग्रुप होगा वो क्या है? वो 5' एंड है एंड इसीलिए 1', 2', 3' दिखाना जरूरी है। ये कौन सा बॉन्ड है बताओ फटाफट, इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ग्लाइकोसाइड। N-beta-glycosidic बॉन्ड। ओके अब हम बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे, तो अब एक और न्यूक्लियोटाइड लाएंगे, तो विल ब्रिंग अनदर न्यूक्लियोटाइड। ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है जो आ रहा है
तो सेकेंड ऑलवेज थ्री प्राइम के साइड आएगा, ये याद रखना. फाइन, इट विल ऑलवेज कम इन द थ्री प्राइम साइड. तो फिर इधर आ जाएगा आपका शुगर. एंड इधर सिंस हम लोग आरएनए दिखाने वाले हैं तो लेट अस शो यूरासिल. तो वन प्राइम, टू प्राइम में राइबोज है, थ्री प्राइम में ओएच होगा. फाइन, तो ये है थ्री प्राइम ओएच. अंडरस्टूड? तो ये आपका हो गया सेकेंड न्यूक्लियोटाइड. अंडरस्टूड? अब हम लोग जो स्टेप बनाएंगे उसको यहां जोड़ेंगे. तो अब जब हम लोग बॉन्ड बनाएंगे तो पहला स्टेप क्या है? तो स्टेप वन इज वाटर रिमूवल, हाइड्रोलाइसिस. वाटर रिमूवल, ऑलवेज यूज टेक्निकल टर्म्स इन माय क्लास. हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यू एनटीपी. तो जो न्यू एनटीपी है उसमें हाइड्रोलाइसिस होगा. इसको हम लोग कहते हैं पाइरोफॉस्फोरिक क्लीवेज. इसका मतलब क्या है? हम पीपीआई निकालेंगे. तो हम ये वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस वाले कार्बन को अटैक करेंगे. तो समझ रहे हो? अब आप देखो, हम जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें से H निकलेगा एंड OH निकलेगा, है कि नहीं? तो इसमें इसको क्या चाहिए? OH, है कि नहीं? तो जब आप इसको OH दोगे तो ये PPI बन जाएगा, ये यहां OH आ जाएगा ना. एंड ये हाइड्रोजन किसको देंगे? ये देंगे नीचे वाले ऑक्सीजन को. तब आपका ये बॉन्ड टूट जाएगा. जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका क्या होगा? पाइरोफॉस्फोरिक अलग हो जाएगा. अंडरस्टूड? अब ये बन जाएगा क्या? सो दिस विल नाउ बिकम, ये OH बन जाएगा, है कि नहीं? सो दिस विल नाउ बिकम OH. ओके, सो this will now become OH. Fine. अब ये जो OH बन गया, अब step number two. तो step number two क्या है? Again, dehydration synthesis. So that is called dehydration synthesis. बिटवीन क्या? न्यू न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट एंड प्री एग्जिस्टिंग चेन. तो अब ये क्या बन गया? ये एनएमपी बन गया. अब ये क्या बन गया? ये एनएमपी बन गया कि नहीं? अब इसको जोड़ देंगे. तो जब हम जोड़ेंगे तो यहां से निकालेंगे क्या? पानी. तो इसलिए ये H यहां से जाएगा, इस OH को उठाएगा एंड वाटर बन जाएगा. तो समझ में आया? तो इसलिए हम लोग यहां क्या करते हैं, एक वाटर इन होता है एंड एक वाटर आउट होता है. इसलिए नेट गेन क्या है? जीरो. जीरो. ओके, आप जो बच गया उसको लिख दो. फाइन, सो नाउ वी विल राइट. तो एच ओ पी ओ एच, डबल बॉन्ड हो, उसके बाद ओ पी ओ एच, उसके बाद ओ पी OH, उसके बाद OCH2, ये हमारा शुगर है कि नहीं? सो दिस इज द शुगर. इसके लगा क्या है? एडेनाइन.
ये टू प्राइम, इधर ओ, तो ये क्या है सी ओ, उधर से कौन सा ये कलर आ जाएगा, पिंक आ जाएगा, देख रहे हो कि नहीं, सी ओ पी ओ सी एच, सॉरी ये गलत है ना, सी ओ पी ओ सी एच टू, फिर आ जाएगा शुगर, इधर आ जाएगा यूरासिल। तो जब भी आपको रुकना है ना थ्री प्राइम ओ एच में रुकेंगे, आप बीच में नहीं रुक सकते, ओके, तो यू हैव टू स्टॉप एट थ्री प्राइम ओ एच। तो अब यहां हम बना देंगे सपोज डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड, तो अब ये क्या बन गया, दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, डाई न्यूक्लियोटाइड, राइट, एंड इसका कंटिन्यूएशन से क्या बनेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो जस्ट नीचे नीचे जोड़ते जाओ। अब यहां ध्यान दीजिए, ये कौन सा बॉन्ड है, एस्टर, वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ओ पी, ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, सी ओ पी, बट ये क्या हो जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बॉन्ड फॉस्फो केतेटा डाइएस्टर बॉन्ड, तो फॉर्मूला क्या होगा, सी ओ पी ओ सी, कोई शक, नो सर, क्रिस्टल, मजा आ गया, यस सर। अब मैं देखो, अब बिना देखे अब ये कैसे बनता है मैंने सिखा दिया, अब धड़ाधड़ बनाएंगे। तो यहाँ तो देखो बनाने का स्टाइल क्या है, आप पहले अभी हम लोग बनाएंगे क्या, अभी सिंपली पी लिख देंगे, अब वो बॉन्ड वॉन्ड नहीं दिखाएंगे, तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, पी पी पी, ओके, एंड इसके साथ क्या आ जाएगा, ओ सी एच टू, अब शुगर, अब सी ओ पी ओ सी एच टू, फिर शुगर, सी ओ पी ओ सी एच टू, फिर शुगर, अब जगह नहीं है तो हम इधर कैसे रुकेंगे, OH, तो यू हैव टू स्टॉप एट OH, अब फॉस्फेट का काम खत्म कर दो, हो गया, अब इस सब में आप टू प्राइम में OH लगाइए, तो ये डीऑक्सीराइबोस बन, राइबोस बन जाएगा, अगर ये OH नहीं लगाओगे तो डीऑक्सी, ये है आपका एन बीटा, तो हमने पहले लगाया था एडेनाइन, इधर क्या लगाएंगे, यूरासिल, अब सपोज यहां हम लोग लगा देंगे गुआनाइन, तो अब वी विल शो द बॉन्ड, तो ये कौन सा बॉन्ड है, ठीक है, सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, शॉर्टकट में मैं इसको पीडीई बॉन्ड लिखता हूं,
फॉर्मूला है COPOC. अंडरस्टूड? सो ये हमारा हो गया. ये कौन सा एंड है? 5' फ्री है. ये कौन? 3' है. तो जिस तरफ 5' में ट्रिपल फॉस्फेट फ्री होता है तो उसको क्या कहेंगे? 5' एंड. जिस तरफ 3 में, तो ये उसका आइडेंटिफाइंग मार्क होता है, याद रखेंगे. सो दिस इज द आइडेंटिफाइंग मार्क ऑफ 5' एंड. दिस इज द आइडेंटिफाइंग मार्क ऑफ 3' एंड. तो इधर क्या लिखेंगे? 3' एंड. तो उसमें फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, तो फ्री OH ग्रुप हो गया. तो चेन किस डायरेक्शन में ग्रो करता है? ऑलवेज 5-3. तो समझ रहे हो? तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हर चीज 5-3 होगा, चाहे वो बॉन्ड बनाना हो, प्रोटीन हो, आरएनए हो, व्हाटएवर हो, तो आपका वो 5-3 होगा. क्लियर? तो व्हाट हैव वी मेड? सो दिस इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. कोई शक? तो ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है. अब हाउ टू मेक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए? उस यू के जगह टी लगा दो एंड डंडे डिलीट कर दो. ओके? तो आई कैन डू इट. तो यू विल सी. तो अभी मैं क्या करूंगा? इसको सेव कर दूंगा. हो गया. अब उसके बाद क्या करूंगा? इसको डिलीट कर दूंगा. नो OH, नो OH, नो OH. एंड इस यू के जगह पर क्या लिख देंगे? थायमिन. थायमिन. तो अब ये क्या बन गया? इसको भी डिलीट. तो नाउ दिस इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड व्हाट? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फाउंड इन 5x174 बैक्टीरियोफेज. ओके? तो इसको हम लोग 5x174 कहते हैं. 5 हो गया. तो इसको भी सेव कर देते हैं. देख रहे हो? तो मैंने आपके लिए दो बोर्ड सेव कर दिया. एक में डीएनए बना दिया, एक में आरएनए बना दिया. अब हम लोग मजे लेंगे किस चीज का? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ जेजे स्टूडेंट बना सकता है और कोई नहीं. इसीलिए आप लोग इसको सीखिए कैसे बनाना है. सो थोड़ा मोटा लाइंस यूज करेंगे. इसमें मैं सिर्फ दो ही पेयरिंग आपको दिखाऊंगा. तो वी विल अगेन स्टार्ट विद द सेम कंसेप्ट. हम लोग क्या करेंगे? फॉस्फेट, 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 ओ सी एच टू. फिर सेम रूल है ना, यहां हम शुगर बनाएंगे, इधर 2' में खाली छोड़ देंगे. ये है 1' एंड दिस इज OH. तो आप मालूम है COPOCH2. फिर हम एक और क्या बनाएंगे? शुगर बनाएंगे. अब ये है 1', 2' में OH नहीं बनाएंगे, 2' में OH नहीं बनाएंगे. तो ये क्या हो गया? डीऑक्सीराइबो. आप जगह नहीं है तो 3' में OH बनाकर रुक जाएंगे. तो ये आपका डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH. एंड ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर एन बीटा. अब सपोज यहां मैं ले रहा हूं एडेनाइन एंड सपोज यहां मैं लूंगा थाइमीन. ए सॉरी सर, गुआनिन. हाँ, साइटोसिन ले लेते हैं. साइटोसिन ले लेंगे.
उल्टा बनेगा। अब ये आपका टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर आपका थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ओके, आप उल्टा डायग्राम बना दो, उल्टा बनेगा। इधर ब्लैक बॉय, तो ये है टी और ये क्या होगा, एक छोटा एक बड़ा जी, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लाएंगे, इधर का डिब्बा उल्टा बनाएंगे। फाइन, इसी तरह से यहां भी लेंगे, इसका डिब्बा उल्टा बनाएंगे, काम खत्म। अब ये टू प्राइम है तो कुछ नहीं होगा, थ्री प्राइम में हम यहाँ एंड करेंगे इसलिए OH लिखेंगे, मतलब बोले इधर टू प्राइम में कुछ नहीं होगा, ये वन प्राइम एन बीटा वाला देख चुके ना कितने डिटेलिंग अच्छी, थ्री प्राइम में हम बॉन्ड बनाएंगे तो इधर क्या होगा, CH2 OP O C, फिनिश, डबल बॉन्ड अंदर, सिंगल बॉन्ड OH। अब इधर क्या होगा, CH2 O P curly P curly P, फाइव प्राइम एंड आ गया मजा। यस सर। तो आप बनाएंगे उसका पहचान पत्र, तो ये क्या है, फाइव प्राइम ट्राइफॉस्फेट प्राइम एंड, क्या है फाइव प्राइम ट्राइफॉस्फेट फाइव प्राइम, ये क्या है थ्री प्राइम OH, ये क्या है थ्री प्राइम OH, ये चेन कहाँ ग्रो करेगा, फाइव टू थ्री नीचे की तरफ, ये ऊपर से नीचे करेगा फाइव टू थ्री नीचे से ऊपर, तो इसको एंटी बिहेवियर कहते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फाइव एंटी पैरेलल एंड ये फाइव प्राइम एंड है, एंड ये क्या है, दिस इज थ्री प्राइम एंड। ठीक है डैडी, ताकू टे खरारे बांधे दिया, तापर एटा होची कौन, दिस इज योर थ्री प्राइम एंड, थ्री प्राइम एंड, एंड ये क्या हो गया, दिस इज फाइव प्राइम एंड, तो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एंटी बिहेवियर। ओके, तो हाउ टू प्रूव इट इज पैरेलल, हमें लिखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे दिखाएंगे, तो जनरली बी डीएनए में ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 20 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम थ्रू आउट इट्स लेंथ, तो पैरेलल भी हो गया, अगर पूरा थ्रू आउट इट्स लेंथ 20 एंगस्ट्रॉम है तो पैरेलल हो गया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल डीएनए। अंडरस्टैंड, अब ये जो डिस्टेंस है इसको वाटसन एंड क्रिक ने कैलकुलेट किया एज 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, दिस इज कॉल्ड 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, डिस्टेंस एडजेसेंट बेस पेयर्स, तो इसे शॉर्टकट में उसको बीपीएस लिखते हैं। ओके, डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स, आ गया मजा। देखो कितने दम पे कष्ट कराऊ छे एंड यू आर प्लेइंग गेम्स विद माय हार्ट, तो बताओ सर इजी है ये जो है, ये क्या हो गया, सो दिस इज योर कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह इधर क्या बना, थ्री डी बॉन्ड, ये बन जाएगा क्या, सो दिस इज योर
ये है एक्चुअली 3' to 5' PDE bonds. याद रखना ये 3' to 5' डायरेक्शन में होता है, हाँ कि नहीं? देखो बॉन्ड बनाते समय हमने पहले 3' कवच लिया ना, तो ये बॉन्ड ऐसे बन रहा है, तो 3 5 के साथ जुड़ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 to 5 PDE bonds. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड 3 to 5 PDE bonds. This is called 3 to 5. कोई शक? ये क्या है? 2 hydrogen, 3 hydrogen, and this is your n beta. 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 आ गया मजा? तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया इसको क्या कहते हैं? तो दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. आ गया? आई थिंक ऑल ऑफ अस वी हैव मेड एवरीथिंग. ओके, चलो अब इसको सेव कर लेते हैं हम लोग. लेट अस सेव इट. अब सर और एक चीज बच गया. क्या सर? पिच बनाना था. पिच? इधर तो तेरा दिमाग खराब है क्या? पिच एक ही फिगर में बन जाएगा? तू सामने से 10 बनाना पड़ेगा. तू पीछे बिना मुड़े अपना ऐस दिखा सकता है मेरे को? बताओ. अरे यस या नो बताओ. नहीं सर. तो मैं कैसे दिखाऊंगा? मैं इतना गुड बॉय कैसे हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आप सुनिए, अब मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगा ना, इसको हम दिखाएंगे यू. ठीक है, तो आप हमने क्या करेंगे, इसमें दिखाएंगे यू एंड क्या लगाएंगे? तो ये लगा देंगे OH. OH, OH, OH. Understood? ऐसे लगाएंगे. Now, बाकी सब डिलीट करेंगे. ये 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 सब डिलीट कर देंगे. तो अब ये क्या बन जाएगा? So now this is your double stranded RNA found in Q बीटा. ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं, वो एक बैक्टीरियोफेज है, क्यू बीटा. फाइन, तो ये हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया. क्लियर? तो आज हमने सारा स्ट्रक्चर खत्म कर दिया, बायोकेमिस्ट्री खत्म कर दिया, एंड नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम लोग जो है प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. ओके, आज आप लोग घर जाके सारा स्ट्रक्चर अच्छे से प्रैक्टिस कर दीजिए. टुमारो हम लोग डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एंड विदा करके चले जाएंगे. कहाँ? आपका एंजाइम. सर खत्म नहीं हुआ. एंजाइम. सर और एक भी चीज बचा है. क्या? सर चारगोफ्स रूल बचा है सर.